मौजूद हैं अमेठी जिला के हलियापुर में, जहां लोकसभा अमेठी लग रहा है और जहां सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। हम जानना चाहेंगे महिला उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी से, आखिर क्या हो रहा खेल का मामला। जी डॉक्टर साहब, अभी जो है प्रतियोगिता हो रही है, सांसद प्रतियोगिता महिलाओं के लिए भी हो रही है, क्या है पूरा है? ये भव्य स्तर पर हमारी पूरी लोकसभा में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई है हमारी माननीय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी की तरफ से, जिसमें काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं इन लोगों के लिए प्रतियोगिता रखी गई थी और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और बहुत सक्सेसफुली तरीके से लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। अब ये इससे पहले जो प्रतियोगिता हुई थी तो बच्चों के लिए हुई थी, इस बार महिलाओं के लिए भी, कौन कौन से वर्ग के लिए महिलाओं के लिए जो है रखा गया प्रतियोगिता? जैसे आप जान रहे हैं कि इस बार जो प्रतियोगिता है हमारी वो महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए केंद्रित है, तो इसमें अलग अलग वर्ग में, दो वर्ग में ये प्रतियोगिता रखी गई है। एक तो 16 से 30 वर्ष है, 30 वर्ष से उससे अधिक है। तो आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे 16 से 30 वर्ष में है 100 मीटर पैदल दौड़, रस्साकसी है, लंबी कूद है, और इसी प्रकार 30 वर्ष उसके अधिक महिलाओं के लिए दिलचस्प गेम रखे गए, जैसे बलून दौड़ है, नींबू दौड़ है, मटका फोड़ है, रस्सी कूद है, कुर्सी दौड़ है, इसी प्रकार के मनोरंजक गेम रखे गए हैं। जैसा कि ग्रामीण में खेल कूद हो रहा है, आप जान रहे हैं ग्रामीण में जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर जो है घूंघट की आड़ में रहती हैं, जब आप प्रतियोगिता करवाने जाती हैं वहां पे देखते हैं क्या घूंघट से बाहर आ पा रही हैं महिलाएं, या अभी भी वो जो है इनके जो है कहीं ना कहीं जो है अभी भी घूंघट के अंदर ही रहती है? देखिए, एक तो हम लोग को अपने ऊपर दीदी के ऊपर ये भरोसा था कि अगर उन्होंने इस तरह की प्रतियोगिता कराई है तो निस्संदेह उनके दिमाग में ये रहा होगा कि महिलाओं को प्राथमिकता पे आगे लाना है। जो महिलाएं अपने घर के कामों में व्यस्त रहती, घूंघट के पीछे, कभी अपने हस्बैंड की देखभाल, कभी बच्चों की देखभाल, उन लोग को कभी अपने लिए समय नहीं मिलता, ना कभी वो इस प्रकार का समय निकाल के सोचती कि हम लोग जाके रस्साकसी खेलेंगे या रस्सी कूद या इस प्रकार की गेम में प्रतिभाग करेंगे। तो दीदी का ये जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा रहा है और उतना ही उत्साह महिलाओं में दिख रहा है। जिस तरह हम लोग को लगा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं निकले ना निकले, लेकिन भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 4-5 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गए थे, तो रजिस्ट्रेशन से हम लोग को आगाज हो गया था कि बहुत अच्छी संख्या आएगी महिलाओं की, और जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मतलब लगभग 500-600 बहुत अच्छी संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। जीतने वाले प्रतियोगिताओं जो जी रही है महिलाएं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या देती है आपकी? देखिए, पहले तो जितने महिलाएं हो या बालिकाएं हो, जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं दोनों लोग के अलग अलग वर्ग में, जो भी प्रतिभागी हैं उन सब के लिए गिफ्ट्स है, जैसे मेकअप किट है और पर्स है, इस प्रकार का। जो पार्टिसिपेट है, जो नहीं भी जीता लेकिन उसने पार्टिसिपेट घर से निकल कर पार्टिसिपेट करी, अपने आप में विनर है वो, तो उनको लिए ये गिफ्ट है। उसके अलावा जो महिलाएं पहला दूसरा तीसरा विजेता जो है, हर न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता हो रही है, हर न्याय पंचायत में 10 गेम है टोटल दोनों वर्ग को मिला के, हर गेम में जो टॉप 3 विनर है, पहले दूसरे तीसरे विजेता, उन लोग का अलग से सम्मान होगा, उसमें अलग उनके लिए प्राइज है। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहले प्राइज में 5 लीटर कुकर है, सेकंड में भी कुकर है, और उसके बाद एक कैसरोल है। तो इस प्रकार के इनाम है, ये दीदी अपने अपने आप से उन सबको सम्मानित करेंगी, उन लोग का अलग से विशेष प्रोग्राम में सम्मान होगा। सारे कार्यक्रम आप महिलाओं के लिए कर रही हैं, तो कहीं ऐसा तो पुरुषों में तो नहीं है, कहीं होता है कि सारी चीज आप महिलाओं कर रहे हैं पुरुषों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए? इसके पहले जो प्रतियोगिता रखी गई थी सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, वो दोनों वर्ग के लिए थी, उसमें महिलाएं पुरुष दोनों के लिए था। और तो अभी इस बार तो स्पेशली क्योंकि महिलाएं उसमें प्रतिभा करती हुई कम दिखी थी, ज्यादातर उसमें कॉलेज की बच्चियां थी, कॉलेज के लड़के थे या पुरुष थे, लेकिन इस बार इसीलिए उन लोग पे केंद्रित किया गया कि महिलाएं जो कभी नहीं, जिनको कभी भी मौका नहीं मिलता कि अपने घर से बाहर निकले और खेले, उनका पार्टिसिपेशन हो और वो लोग जुड़े, तो इसलिए उनके लिए रखा। जैसा कि महिला जिला उपाध्यक्ष से कहना है कि महिलाएं अब घर से बाहर निकलकर खेलकूद प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले रही हैं और प्रदर्शन बेहतर से बेहतर कर रही हैं, जिन्हें सम्मानित करने के लिए सांसद खुद स्मृति ईरानी लोगों को जो है सम्मानित करेंगी। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।